मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइज मैं आया हूँ सुबह से मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, सामने मेरे बंदर ही बंदर हैं। अब मुझे निकलना है इन बंदरों के बीच में से, तो चलो देखते हैं किस तरह से मैं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। भाई बहुत बंदर हैं, भागना नहीं है, भागना नहीं है। फाइनली मैं निकल गया बंदरों से, तो चलो अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। ऊपर वो भी हमारा वेट कर रहे हैं, वो भी ऊपर पहाड़ पे ही हैं और मेरे साथ में साहिल भी है। हम तो बस ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे। उल्टा मत चल, उल्टा मत चल, गाड़ी जाएगी, गाड़ी ठोक जाएगी कोई। तो गाइस काफ़ी देर हो गई हमको दौड़ते दौड़ते और पसीना आ चुका है, तो मैंने हुडी उतार दी, अब ऐसे ही दौड़ेंगे। हुडी मैंने कमर पर लटका ली। तो भी गाइस साहिल स्टैंड करके दिखाएगा, साहिल यहाँ से यहाँ कूदेगा, वो कूद गया। और बॉय भी बैठे हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर, योगा कर रहे हैं, योगा। सही जगह ढूंढ रही है आपने यार, इतना कूड़ा हो गया ना यहाँ पे, देखो गाइस फिर से कूड़ा हो गया यहाँ पे। लास्ट टाइम जब आया था तो पूरी साफ़ सफाई की थी, मेरे बर्थडे पे ना यहीं पे साफ सफाई की थी, देखो दोबारा कूड़ा। अब एक दिन आके दोबारा से साफ सफाई करनी पड़ेगी यहाँ के, देखो पूरा कूड़ा ही कूड़ा दोबारा कर दिया। तो अब चलते हैं नीचे वापस। गाइस इस रोड पे ना लेपर्ड भी दिखता है, हिरन भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। बोविया ने बहुत बार लेपर्ड देखा यहाँ पे, टाइगर। वॉक करते करते दिख जाता कई बार, पानी पीने आता ना नीचे। बोविया को यहाँ के सारे शॉर्टकट भी पता है ना, ये देखो अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, हम रोड से नहीं जा रहे। तो ये जंगल का शॉर्टकट है, लेकिन इस जंगल में सारे जंगली जानवर भी है, वो पानी पीने आते हैं। तो ये वॉक से आगे घर पे पहुंच गए। क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी। तो भी गाइस मम्मी जी यहाँ बना रहे हैं बड़ी, मूली की बनती है, देखो मूली और दाल, मतलब हेल्दी होती है काफी। चलो फिलहाल मैं नहाता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भी नहा धो के मस्त रेडी हो गए, फिलहाल अब खाना खाते हैं, दाल चावल हरी सब्जी, और दादाजी के साथ में बातें करते हैं। अम्मा की याद आ रही है? नहीं तो। अम्मा की याद नहीं आ रही? क्या याद आनी है बाबू को, अम्मा की याद ही नहीं आ रही मेरे को तो आ रही गाइस। भाई दादाजी मस्त आराम से बैठे रहते हैं पूरा दिन यहाँ पे, आराम से बैठे रहते हैं मस्त। कौन आया? कुनाली स्कूल से आ चुका है। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा। कुनाली के आते और ये एक्टिव भेड़िया। तो गाइस आज बड़े पापा को फाइनली गाड़ी सिखाएंगे, आज पहली बार बड़े पापा गाड़ी चलाएंगे, देखते हैं पापा जी कैसी गाड़ी चला पाते हैं पहली बार। कौन, थार का फॉर्च्यूनर? थार, थार। तो पापा जी सीधा थार चलवाएंगे, देखते हैं पापा जी थार चला पाते हैं नहीं चला पाते। एक्सपीरियंस देखते हैं पापा। अच्छा एक्सपीरियंस। भाई स्कूल से आते ही अपने आप होमवर्क निकाल लिया खुद से। फिलहाल मैं अपनी चाय पीता हूँ। आज कैसे? आते ही काम में बैठ गया। देखो आज कैसे कर रहा है? तब तक काम खबर नहीं होगा, कुछ नहीं करूंगा। अच्छा खाना भी नहीं खाऊंगा। आज कहाँ से आ गई इतनी अक्कल? तो भी गाइस मम्मी यहाँ पे नींबू सान रही है, हमारे उत्तराखंड की एक फेमस डिश है नींबू वाली। लेट के नहीं पड़ते, आंखें खराब हो जाएंगी? हम सोते भी लेट के। अरे सोना अलग चीज होती है, इसमें आपकी आंखों का जोर लगता है ना, और इतनी इतनी पास से नहीं देखते बुक को। पहाड़ी नींबू। तो अभी नींबू खोल दिया देखो, तो फाइनली अपना नींबू रेडी हो गया है। मुँह में पानी आ रहा है, इसको जल्दी खाएंगे मस्त। गाइस खाने से पहले मुँह में पानी आ रहा है, मस्त हो रहा है, अलग ही टेस्ट आता है इसका। तो कुनाली होमवर्क हो गया? कुनाली का होमवर्क हो गया है। और बाय द वे पीयूष भी आ गया स्कूल से। तो चलो गाइस अब टाइम आ चुका है पापा जी को थार सिखाने का। तो सबसे पहले आपको मैं रूल बताता हूँ गाड़ी चलाने के। सबसे पहले तो एक गाड़ी है, ये गाड़ी। और ये गाड़ी थोड़ी डिफरेंट है, ये थार है, तो आप सीधी से सीख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये, और इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो ध्यान चलाना। एक काम करते हैं उधर चलते हैं, सोसाइटी के उधर चलते हैं। अभी देखो पापा जी मैं चला रहा हूँ ना, तो आपको ईजी लग रहा हो, आप बैठे हो गए, आपको चलो ईजी होगा चलाना, लेकिन उतना ईजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है चलाते हुए। तो मैं आपको अच्छी चीज़ करके बताऊँगा, पहले तो रूल बताऊँगा सारे, ठीक है? एक बार चलते हैं सोसाइटी के बीच चलते हैं। थार को आपको चाबी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बटन से नहीं होगी, ठीक है? तो चाबी आप लगाओगे यहाँ पे, लग गई। थार को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, चाबी लगाओ बस ऐसे कर दो, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो चलो पहले स्टार्ट करके दिखाओ, पहले स्टार्ट करके दिखाओ, बस हो गई स्टार्ट, हो गई हो गई हो गई। हाँ अब नीचे है मेन चीज़ है, ठीक है? ये ब्रेक है, ये रेस है, लेकिन आपको दोनों एक ही पैर से यूज करने हैं ये, ठीक है? मतलब ये है, इसको दबाएंगे तो गाड़ी चलेगी धीरे धीरे, हल्की हल्की दबाना है, जोर से दबा दूंगा तो भाग जाएगी। हाँ जोर से मत दबाना, इसमें दबाना ही मत, ये अपने आप भागती है रेस छोड़ते ही, इसकी पावर बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब इसका हाथ। हाँ ब्रेक, ब्रेक छोड़ते ही अपने आप भागती है, पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा मतलब ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक दबा के रखो बस। तो पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब गियर वगैरह बताता हूँ पापा को। तो ये ऑटोमेटिक है, यही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी सारी गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले तो आपको हैंड ब्रेक को हटाना है, उसको दबाओ यहाँ से, दबा के नीचे कर दो, नीचे कर दो, ब्रेक टाइट से दबा के रखो। अब देखो यहाँ पी है ना, पी का मतलब पार्किंग, तो आपको आपको सिर्फ डी पे जाना है, डी ही चल जाएगी ड्राइव पे जाते ही। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रेक का चलाते हुए आपने मिरर में देखना है, पहले चलाने से पहले मिरर में देखना है, और चलाते हुए राइट और लेफ्ट में देखते रहना है, चारों साइड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई गाड़ी कहीं से भी आ सकती है। डी पे नहीं गई? हाँ आप गई है। हाँ चलिए ना, चल गई चल गई। अरे बहुत इजी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, रेस लगाओगे? चलो चलो चलो, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, मुड़ गई मुड़ गई मुड़ गई मुड़ गई,
स्टीयरिंग सीधा कर लो, सीधा स्टीयरिंग, स्टीयरिंग सीधा, स्टीयरिंग सीधा, टेंशन मत कर, मोड़ते स्टीयरिंग सीधा कर लिया करो। बड़ा मैं आपका कैमरा हूं। ओके ओके भाई, क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है पहली बार नहीं चला रहे भाई, ये खुद ही मोड़ रहे भाई बिना बताए। अबे यार सबसे मेन रूल तो भूल ही गए, सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट लगाई नहीं है वाह। गाइस सबसे पहला रूल है सीट बेल्ट लगाने का, गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाने का। पूरी घूम जाएगी, पूरी घूम जाएगी, घुमा लो पूरी घूम जाएगी। घूम गई, ओहो बैक कर दी भाई, ऑटोमेटिक है ना इसलिए भाई। अगर गियर वेयर लगाने होते ना, गियर क्लच, उसका दिक्कत होती है भाई। बच गया तू, बचो भाई, मस्त चला रहे हैं यार पहली बारी में, लग नहीं रहा पहली बार चला रहे हैं। गाइस मतलब काफी प्राउड फील हो रहा है कि पापा जी को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, इतनी अच्छी चला रहे हो, भी थार भाई, सीधा थार। इसके बाद पापा जी को गिफ्ट करूंगा मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू। अरे बाप रे, हां मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करूंगा आपको, मस्त। एक बार चलाना सीख जाओ अच्छे से, कोई प्यारी सी गाड़ी में पापा जी को गिफ्ट करूंगा मैं। वेल डन पीयूसी, तेरे को भी यही सिखाऊंगा। खुद चला रहे भाई, मुझे डर ही नहीं लग रहा, खुद मोड़ रहे हैं। मेरी तो लाइफ टाइम मेमोरी है ये, मेरी मतलब बेस्ट मेमोरी है पापा जी गाड़ी सिखाना इस तरह से, और खुद चला रहे भाई, मस्त भाई, मत मजा। अरे टेंशन ना ले भाई, टेंशन ना ले, अब तेरी मेरे हाथ में है भाई। 2 साल पहले पापा जी मजदूरी करने के लिए साइकिल पे आते थे लोगों के घरों में, और आज देखो भाई थार चला रहे हैं। गाइस गाड़ी आगे सामने से, उसमें मम्मी भी है। तो मम्मी जी गई थी मार्केट, मार्केट से आ गई है। चलो पीछे बैठो, पीछे बैठो, मेरा दिल धक धक कर रहा है, आता है तुमको थोड़ा बहुत? चला ये देख, फेरू का अंदाज आ गया, फेरू अंदाज के जाना रहा हूँ। अरे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है ना मम्मी, ये देख। अरे उजा, जोर से मत ले जाओ। अरे टेंशन ना ले तू, सौरभ टेंशन मत ले यार, यार मेरे को है? अरे नहीं अभी रुक तो जा, 2 मिनट अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तेरे को मेरे ऊपर। ये चीजों में बहुत हूँ, खाली ऐसी चल भी थोड़ा ना हूँ। बड़े आप शो ऑफ कर रहे हैं यार सबके सामने, वहाँ से कैसे लाओगे भी मोड़ यार? तो क्या यार, अरे आगे को कहाँ ले जा रहे दीवार पे? मत ले यार तू, देखी देखी देखी। गाइस अभी तो मम्मी पापा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जो कि 2-3 दिन बाद चलेगा पता। बहुत बढ़िया सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। पापा जी ने पूरे आधा घंटा चलाई, लगातार आधा घंटा चलाई भाई, और इतने सारे चक्कर काट लिए, मजा आ गया। पापा जी की पार्किंग देखो भाई, थोड़ी सी जगह बची हुई है, अगर थोड़ी इधर करते ना तो इसमें लग जाती। पार्किंग में थोड़ी दिक्कत होगी देखो। तो अभी गाइस हम यहाँ पे बेर तोड़ने के लिए, देखो सोसाइटी में हमारे बेर लगे हैं, बहुत सारे बेर। अरे रुको मैं तोड़ देता हूँ, आप रहने दो, आपके हाथ चुभ जाएंगे। लाल लाल वाले तोड़ के देता हूँ, रुको ये लो 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 लो। गाइस हो तो मस्त रहे, मीठे मीठे उलू सर्द आ गए हैं। कुनाली मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, दिखाता हूँ, रुको ये देखो, ये मैं खुद तोड़ के लाया हूँ अपने हाथों से, इनको धो लो एक बार, हाँ एक बार धो लो इनको। तो आज बनी है आलू मटर की सब्जी, रोटी ले लूँ? चलो भाई मेरा डिनर तो आ गया, मम्मी यहाँ सब्जी काट रही है, खाना फिनिश। तो अभी गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कल मुझे जाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से, तो वो देखना बहुत मस्त चीज़ है, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो चलो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।